Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know, that we are on unit number 16 and the name of our unit is Force and Machine. Today, I am going to deliver a third lecture about lever and pulley. As you know, that we are discussing different simple machines. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंक्लाइन प्लेन को डिस्कस किया था. आज हम दो और सिंपल मशीन लिवर और पुली के बारे में डिस्कस करेंगे. कैसे ये हमारी एफर्ट को कम करती है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट आर सिंपल मशीन. सिंपल मशीन इज एनीथिंग दैट मेक्स अ वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. एंड व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन इज अ फ्लैट सर्फेस इंक्लाइन फ्रॉम वन एंड. सो आप फोर्स को अगर अपवर्ड लगाएंगे तो आपका वेट जो है वो इजीली जो है वो लिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लाइन प्लेन. द पर्पस ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज टू लिफ्ट हैवी लोड इजीली फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हियर यू कैन सी टू बॉयज, टू किड्स, दे आर पुलिंग द वॉटर फ्रॉम द वेल, यानी कि एक कुएं में से वो पानी निकाल रहे हैं. तो क्या आप इस मशीन को पहचानते हैं कि इसको क्या कहते हैं. दिस इज अ पुली. ठीक है, ये जो व्हील है जिसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है ये एक पुली है. अब क्या होता है कि रस्सी के एक एंड से बकेट बंधी होती है और दूसरे एंड से फोर्स अप्लाई की जाती है. फोर्स की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड. जब फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई की जाती है तो इसके डाउनवर्ड अप्लाई होने से जो बकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और इसी तरीके से आपका काम जो है वो आसान हो जाता है. यही पुली मुख्तलिफ क्रेन के अंदर भी यूज की जाती है. दिस इज अ पुली इन अ क्रेन. तो यहां से मशीन जो है वो एफर्ट लगाती है और उसकी वजह से कोई भी बहुत हैवी लोड जो है इस एंगल में फोर्स लगाई जाएगी और अपवर्ड जो है वो वेट मूव करेगा. तो आप देखें कि किस तरीके से एक एंगल से फोर्स लगाने की वजह से वेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है. जब आप वेट को खुद उठाने की कोशिश करते हैं तो वेट भी अपवर्ड आपने उठाना है, फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, जिसकी वजह से एफर्ट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है. जब आप किसी सिंपल मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो आप फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होती है और वेट जो है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से एफर्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है. तो इस बिल्कुल सिंपल मशीन की वजह से आपकी ह्यूमन एफर्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाती है. ये पुली क्रेन्स में इस्तेमाल होती है, कुएं में इस्तेमाल होती है. इसके अलावा फ्लैग पोल्स जो होते हैं जिसके ऊपर आप झंडा चढ़ाते हैं उसके अंदर भी पुली जो है वो इस्तेमाल होती है. डू यू सी, डिड यू सी टू पुल वॉटर फ्रॉम द वेल, क्या आपने कभी किसी को कुएं से पानी खींचते हुए देखा है. व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज यूज टू पुल द लोड इन अ क्रेन. सो दैट इज पुली. सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नेम एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंपल मशीन. आज हम डिस्कस करने लगे हैं लिवर एंड पुली. तो मैंने अभी आपको पुली के बारे में बताया है, अब हम लिवर के बारे में बात करेंगे. ये भी एक बहुत ही सिंपल मशीन है और ये हमारे काम को बहुत आसान कर देती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिवर. लिवर इज अ फ्लैट रॉड. ये एक बिल्कुल फ्लैट रॉड होती है जिसकी मदद से आप किसी भी हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं. रीडिंग. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 152 इन योर जीके 3 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Lever. A lever is a simple rod that makes work easier for us, help us to move a heavy load around a fixed point using lesser force relatively. So my dear students, lever एक ऐसी simple machine है और एक rod होता है, just simply it is a rod, जो कि हमारे काम को बहुत जो है वो आसान कर देता है और आप किसी भी वजन को आराम से उठा सकते हैं. इस rod को जब आप weight के साथ attach करते हैं तो आप फोर्स की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होती है और वेट जो है वो अपवर्ड मूव करके लिफ्ट करता है. इस तरीके से फोर्स जो है वो बहुत ही कम जो है आपकी इस्तेमाल होती है. जो लिवर है जब ये वर्क करता है तो इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं. इसके अंदर फलक्रम भी इस्तेमाल होता है और ये पॉइंट जिसके ऊपर ये मूव करता है ये फलक्रम है और ये पॉइंट जिसके ऊपर लिवर मूव करता है दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिवट. तो ये तीन चीजें जो है लिवर के अंदर इस्तेमाल होती है, एफर्ट, फलक्रम, लोड और तीसरी चीज जिसके ऊपर ये मूव करता है दैट इज द पिवट. हियर यू कैन सी दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर. आपका जो सीसॉ है जिसके आप खेलते हैं दिस इज ऑल्सो अ लिवर. इसमें ये फलक्रम है
जिसके ऊपर ये मूव करता है और लोड जो है वो इस एंगल में होता है, कभी इस एंगल में फोर्स अप्लाई होती है, कभी इस एंगल में फोर्स अप्लाई होती है। जब इस एंगल में फोर्स अप्लाई होगी तो वेट अपवर्ड मूव होगा, जब यहां से इस एंगल में फोर्स अप्लाई होगी तो वेट इधर से अपवर्ड मूव करेगा। तो ये इस तरीके से जो है वो सीसा वर्क करता है। यूज ऑफ लिवर इन डेली लाइफ। सो नाउ इज द टाइम फॉर अनदर सिंपल मशीन व्हिच इज पुली। पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड एक्सल टू सपोर्ट मूवमेंट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली पुली जो है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, व्हील होता है और एक एक्सल होता है, जिसकी वजह से काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक पुली है और इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स इस वक्त इस तरफ अप्लाई हो रही है और लोड जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, और इसकी वजह से जो है वो इस पुली ने इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि लोड तो हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ एक्ट करता है, लेकिन क्योंकि फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है तो इस फोर्स की वजह से यहां फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अपवर्ड, और इस तरह से आपके जो ये वर्क है जो आसान हो जाएगा। सो दिस इज अ पुली विच हैज व्हील एंड एक्सल। सो फॉर एवेल्युएशन क्विकली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज अ लिवर? लिवर इज अ फ्लैट रॉड। व्हाट डज द लिवर डू? इट हेल्प्स अस टू लिफ्ट हैवी लोड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड व्हाट इज अ पुली? पुली इज अ सिंपल व्हील एंड एक्सल यूज्ड टू change the direction of the force and lift heavy load. And what is pulley used for? It is used to lift heavy load. For practice, you can download this worksheet from the, you can download the worksheet which is given in the description box, and you can finish it with the help of your teacher or your parents. So for homework, you will do MCQ number 5 and 7 given on page number 160 and 161. Discuss with your parents where do lever and pulley used in daily life. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ पुली और लिवर के बारे में डिस्कशन करनी है कि क्या उनको पता है कि लिवर और पुली डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। डिस्कस इट विद देम और आप खुद भी शेयर करें कि किस तरीके से ये हमारी एफर्ट को कम कर देता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।